बोला। हाँ साहब जी, साहब जी। हाँ बोला। हाँ आज मैं बहुत थका हुआ हूं। अभी लीजिए। और लीजिए साहब जी आपका कड़क पटियाला बैग। तो जानता भोला कि हमारी थकान सिर्फ शराब से दूर नहीं होती। जानता हूं साहब जी, जानता हूं। और इसीलिए आपकी थकान मिटाने का आज की रात बहुत बढ़िया इंतजाम किया है मैंने। हमारी आशिक मिजाजी का बस एक छोटा सा ज़माना है। तुम्हारी खूबसूरती कीमत नहीं, क्योंकि वो इन कागज के टुकड़ों में अदा नहीं की जा सकती। थैंक यू वेरी मच। अब हम दोबारा कब आए? बुलाएंगे, बुलाएंगे, जरूर बुलाएंगे, जल्दी बुलाएंगे। निकिता, वो बहुत दिलदार आदमी है, उसकी नजरों में पैसों की कोई कीमत ही नहीं है। अगर वो मुझे शादी के लिए प्रपोज करे ना, मैं बिना पलक झपके हाँ कह दूं, भले वो उम्र में कितना भी बड़ा हो। What a wonderful man, he's so romantic. ललिता, मुझे तुझे अपनी दोस्त कहने में शर्म आ रही है। रचना, तुम मेरे बारे में जो चाहो सोचो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात याद रखना, इंसान को जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। लेकिन कुछ पाने के लिए अपना सब कुछ खो देना, ये बेवकूफी है। मुझे इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती। निक्की, तू इसकी तरह बेवकूफ नहीं। तेरा अपॉइंटमेंट फिक्स करवा दूं मैं आज की रात उसके साथ? वो मैं निक्की, देख निक्की, इसकी बातों में मत आना। ललिता, तू अपने साथ इसे भी इस गंदगी में घसीटना चाहती है? मैं तो तेरे फायदे के लिए बात कर रही हूँ। अगर तू इंटरेस्टेड है तो मुझे फोन करना। ओके, बाय। कितनी कितनी बेशर्म हो गई है ये ललिता। रचना, उस आदमी ने उसको बहुत सारे रुपए दिए। निक्की, निक्की देख, अगर तू उसकी बातों में आई ना, तो आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। You know, I began to hate ललिता। नफरत होती है मुझे ऐसी लड़कियों से। जी करता है ऐसी लड़कियों का गला ही घोट दूं। और सोसाइटी में भी ऐसी लड़कियों को पेंगेस भी नहीं रखना चाहिए। शायद तो सही कह रही है। अगर मेरे भाई शेरू को पता चल गया ना, तो वो मुझे भी जान से मार डालेगा। तुझे पता नहीं उसे कितना गुस्सा आता है, और गुस्से में वो कुछ भी कर सकता है। क्या कहा? मेरी बहन निक्की इस वक्त साई विला बंगले में है, विजेंद्र साई के साथ। ठीक है, मैं अभी वहां जाकर देखता हूं। तू जो कह रहा है अगर वो सच है, तो मैं निक्की का खून कर दूंगा। और अगर निक्की मुझे वहां नहीं मिली, तू जिंदा नहीं बचेगा, समझा? इसका मतलब निक्की भी। निक्की, राइट? नाइस नेम। ललिता की सही है जी। एक बात कहूं निकी, तुम ललिता से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत हो। विजेंद्र साहिब जैसा खूबसूरती का पुजारी और कादरदान तुम्हें इस दुनिया में कोई और नहीं मिलेगा। जी कम ऑन,
शराब पीनी है। कोई बात नहीं, आज ट्राई करो ना। ऐसी नाजुक घड़ी में मुझे डिस्टर्ब करने की गुस्ताखी भूला तो नहीं कर सकता। एनीवे, मैं भी देखता हूं। आई जस्ट गो। क्या बात है बोला? कौन हो तुम? साहिब की औलाद, मेरा नाम शेरू है और मैं निक्की का भाई हूं। अगर वो अंदर है तो याद रख, मैं उसका खून अपने हाथों से कर दूंगा। शेरू अगर किसी की जान ले सकता है तो तुझे भी नहीं छोड़ सकता। अरे श्याम जी, इतना जोर से काई कुछ चला था, क्या तकलीफ आपको? अबे ओए वॉचमैन, तू इस बंगले का वॉचमैन है क्या? हम तो बाजू वाले बंगले का वॉचमैन है श्याम जी। फिर बाजू में जा। अरे दरवाजा खोल, बहरा हो गया क्या? दरवाजा खोल। क्या बात है? क्या शोर मचा रखा है यहाँ? तो तू साही है? हाँ मैं ही हूँ साही। मेरा नाम शेरू है, मैं निक्की का भाई हूँ। मेरी बहन तेरे बंगले के अंदर है, उसे बाहर निकाल। देखो शेरू, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई, तुम्हारी बहन यहाँ नहीं है और मैं तो तुम्हारी बहन को जानता तक नहीं। शाना मत बन, मैं अच्छी तरह जानता हूँ तू क्या चीज है। मैं देखता हूँ तू कैसे रोक लेता मुझे। अंदर जा। लो, ढूंढ लो अपनी बहन को। ये गलत फहमी है कि इनकी बहन यहां पर है। क्यों भाई, ये तुम्हारी बहन है क्या? ये मेरी बहन नहीं है। और भी किसी जगह तलाश करना चाहो तो कर सकते हो। नहीं साहब, माफ कीजिएगा, मुझसे गलती हो गई। तुझसे गलती हो गई? किसी के घर में भी घुसेगा तू? किसी के? बेजान पे चल, छोड़ने से चल, चल। और सुनो, आज छोड़ रहा हूं, आइंदा अगर ऐसी हरकत की तो सीधा फोर्स पे दे दूंगा। बोला, इसे गेट के बाहर कर दो और गेट बंद कर दो। इतना बड़ा छुरा लेके शरीफ आदमी को परेशान करता है और बोलता है तुझसे गलती होगी, तुझे माफ करते। ये गलती होती है, निकल बाहर यहां से, निकल। आना मत, दिखना मत, नजर मत आना। चल। अब बताइए मैडम, असलियत में आप क्या गेम खेल रही हैं? बहुत खूब, मैंने उस आदमी से तुम्हारी जान बचाई और तुम मुझे से पूछ रहे हो कि मैं क्या गेम खेल रही हूँ। अगर वक्त पर मैं यहाँ मौजूद नहीं होती तो वो आदमी तुम्हें कभी जिंदा नहीं छोड़ता। हो सकता है कि वो यहां से जिंदा वापस नहीं जाता। आयदा भी तुम्हें कैसे पता चला कि शेरू यहां आने वाला है? तुम्हारे निकी के साथ क्या कनेक्शन है? मैं निकी के घर गई थी और वहां पर मैंने उसके भाई शेरू को किसी से फोन पर बात करते हुए सुना। मुझे पता चला कि निकी यहां आई हुई है। निकी मेरी दोस्त है,
मेरी दोस्त थी। मैं उस जैसी लड़की से दोस्ती करना पसंद ही नहीं करती। I hate such girls. बेवकूफ हूँ। मुझे उसे बचाना ही नहीं चाहिए था आज। अच्छा होता अगर उसका भाई शेरू उसे मार ही देता। She deserves to die. निकाल कर आया सब चीज़ सारे को बाहर। जाओ। ऊपर से जाकर निकी को लेकर आओ। जी सब चीज़। अच्छी खासी शाम को बर्बाद करके रख दिया। एनीवे, आपकी वजह से आज मेरी जान बची है, इसलिए मुझे आपका शुक्रगुजार तो होना ही चाहिए। कहिए मैडम, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? मिस्टर विजेंद्र साही, मैं आप जैसे आदमियों से सख्त नफरत करती हूं। और विजेंद्र साही, तुम जैसी हर हसीना से बेपनाह मोहब्बत। मारने का पूरा मौका था। जस्ट शट अप। जरूर तुम्ही ने मारा है निकी को और अब मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। जरा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। मेरे पास निकी को मारने का ना तो कोई मौका था और ना ही कोई वजह। लेकिन भोला के पास तो वजह थी। तुमने जानबूझकर भोला को ऊपर भेजा निकी को बुलाने के बहाने। तुम जरूर ये पहले से जानती थी कि निकी इस घर में मौजूद है और तुम उसे शेरू से बचाने के लिए नहीं बल्कि उसे मारने के मकसद से ही आई थी। ठीक है मैंने मारा है निकी को। अब पता चल जाएगा। ये क्या कर रही हो? पुलिस को फोन कर रही हूँ। पुलिस आएगी तभी तो पता चलेगा कि खून किसने किया। बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करती रचा? पुलिस को क्या बताओगी तुम? यही कि तुम, मैं और भोला इस घर में अकेले थे और जैसे ही हम अपने बेडरूम में गए तो हमने अपने बेडरूम में निकी को मरा हुआ पाया। रचना, पुलिस हम तीनों को अरेस्ट कर लेगी। लेकिन लेकिन बिना पुलिस को बताए पता कैसे चलेगा कि खून किसने किया? पुलिस को इन्फॉर्म करने से हम तीनों मुसीबत में फंस जाएंगे। देखो, ये बात सिर्फ हम तीनों को पता है कि निकी यहाँ मेरे घर में मौजूद थी। उल्टा शेरू इस बात का गवाह है कि निकी यहाँ नहीं थी। तो सुबह होने से पहले पहले हमें निकी की लाश को ठिकाने लगाना होगा। What? निकी के खून के इल्जाम से बचने के लिए हमारे पास सिर्फ यही रास्ता है। Hey!
बोला टायर पंक्चर होगा, जल्दी से चेंज कर जल्दी। कुछ मदद कर सकता हूं? जी नहीं शुक्रिया, टायर पंक्चर हुआ है बस, वो थोड़ी देर में चेंज कर देगा। अगर मैं बोल नहीं रहा तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने ये चेहरा पहले कहीं देखा है। क्या हम पहले कभी कहीं मिल चुके हैं क्या? जी नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि आज से पहले हमारी कभी मुलाकात हुई है। हाँ, शायद इसी चेहरे का कोई और आदमी देखा होगा, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। मे बी एनी हाउ थैंक यू। हाँ याद आया मुझे, हम लोग तकरीबन एक साल पहले दीपेंद्र साही की पार्टी में मिले थे। मैं आपको तारीख भी बताता हूं, July 5 सैटरडे का दिन था वो, करेक्ट? दीपेंद्र साही एक्चुअली मेरे बड़े भैया हैं। व्हाट अ कोइंसिडेंस। अब मुझे याद आया कि उसी पार्टी में भैया ने मेरी आपसे इंट्रोडक्शन भी करवाई थी। एग्जैक्टली। एक बात माननी पड़ेगी इंस्पेक्टर, की आपकी याददाश्त बहुत तेज है। डिपार्टमेंट में जो हूँ याददाश्त को तेज रखना ही पड़ता है। ऊपर से क्राइम ब्रांच। विजेंद्र साही, इंस्पेक्टर भारत, नाइस टू सी यू। एंड बाय द वे शी इज माय फ्रेंड रचना, नाइस टू मीट यू टू। रात बहुत हो चुकी है, अगर आपको किसी किस्म की कोई मदद चाहिए हो तो प्लीज मुझे आप इस नंबर पे फोन संपर्क कर लें। Sure. Good night once again. Thank you very much. Thanks. बोला अभी कितना टाइम है, हरी आप। हो गया साहब जी, चलो। वैसे हमारे ये दीपेंद्र बाबू आजकल घर क्या रहे हैं? जी इंस्पेक्टर, भैया तो आजकल दिल्ली सेटल हो चुके हैं। अच्छा, दिल्ली में सेटल हो गए। अच्छा, कभी उनका फोन आया तो मेरा सलाम बोलना। श्योर श्योर, ओके, बाय, थैंक यू। मेरे घर में हुआ है और हम तीनों को एक दूसरे पर शक है। जब तक यह पता नहीं चल जाता कि खून किसने किया तो मैं यही रहना होगा मेरे घर में। And don't worry, मैं तुम्हें तुम्हारी मर्जी के खिलाफ छूंगा भी नहीं। Is it clear?
सामने वाली का नाम निक्की है सर। परिवार में इसका सिर्फ एक भाई है जिसका नाम शेरू। लोगों के मुताबिक शेरू गलत धंधे से जुड़ा हुआ है। बहुत ही गुस्सैल किस्म का आदमी है और गुस्से में कुछ भी कर सकता है, किसी का खून भी कर सकता है। इंस्पेक्टर साहब, मैं कितनी बार कहूं कि मैंने अपनी बहन का खून नहीं किया है, नहीं किया है। शेरू, आवाज नीचे करके बात कर, ये पुलिस स्टेशन है, चिल्लाने का नहीं। उस रात तुम अपनी बहन की तलाश हाथ में चाकू लिए गुस्से में आग बबूला होकर कर रहे थे और तुम्हारी बहन की मौत भी गला काट देने से हुई, करेक्ट शेरू? हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैं विजेंद्र साई को तलाशता उनके घर पे जरूर गया था, लेकिन मेरी बहन वहां मुझे मिली ही नहीं। नहीं शेरू, विजेंद्र साई के पड़ोस के बंगले के वॉचमैन ने, भोला ने और खुद विजेंद्र साई ने, इन तीनों ने इस बात की गवाही दी थी कि उस वक्त तुम बहुत गुस्से में थे और बार बार अपनी बहन का कत्ल कर देने की बात कर रहे थे शेरू। हाँ कहा था, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा है। आप चाहे तो विजेंद्र साहिब से पूछताछ कर सकते हैं, निक्की मुझे वहां मिली नहीं। अब मेरा यकीन कीजिए इंस्पेक्टर साहब। हम विजेंद्र साहिब से पूछताछ कर चुके हैं शेरू। निक्की तुम्हें वहां नहीं मिली, हो सकता है वो तुम्हें कहीं और मिली हो और वहां तुमने उसे मार डाला। नहीं इंस्पेक्टर, मेरा यकीन कीजिए। तुम अपनी बहन की तलाश करने विजेंद्र साई के यहां क्यों गए? तुम्हारी बहन का और विजेंद्र साई का क्या रिश्ता था? सर साहब, आप मेरी बातों पर यकीन कीजिए, साही आदमी ठीक नहीं है। वो नादान लड़कियों को बरगला कर रुपयों की लालच देकर उनसे गलत फायदा उठाता है। मेरी बहन को भी उसने अपने चक्कर में फंसा लिया था। हाँ इंस्पेक्टर साहब, श्रीवास्तव सर, इसे तब तक थोड़ा सा खर्चा पानी दो, मैं विजेंद्र साई से मिलकर आता हूं। आई एम श्योर मिस्टर साई, आप मुझसे एक सफेद झूठ बोल रहे हैं, कुछ छुपा रहे हैं मुझसे। अगर आप निक्की को नहीं पहचानते थे तो फिर उस दिन उसका भाई निक्की की तलाश में आपके यहां क्यों आए? नहीं इंस्पेक्टर साहब, वो साई साहब, पुलिस को कभी झूठ नहीं बोलने का, क्योंकि झूठ के पांव नहीं होते, एक ना एक दिन तो पकड़े ही जाएंगे आप, सच्चाई सामने आ जाएगी। उस रात जब आप समंदर के किनारे वाली सड़क पे मिले, आप तीनों, आप लोगों की गाड़ी खराब हो गई थी या फिर आप गाड़ी खराब होने का नाटक कर रहे थे, पता नहीं क्यों। पता नहीं क्यों साहिब, मुझे ऐसा लगता है जैसे आप तीनों का निक्की के कत्ल के साथ कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरी, इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको सब कुछ सच सच बताती हूं। बताइए शेरू, अगर तूने मुझे सच सच नहीं बताया तो मैं तेरी खाल उतार के रख लूंगा। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरा यकीन कीजिए, मैं सच कह रहा हूं, मैंने अपनी बहन का खून नहीं किया। शेरू के जाने के बाद आप तीनों यहां ड्राइंग रूम तक आए, राइट? जी। ओला शेरू को वहां बाहर मेन गेट तक छोड़ने गया, आप दोनों कुछ देर तक यहां ड्राइंग रूम में ही बैठे, राइट? हाँ 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 जी साहब जी। आप दोनों यहां कुछ देर तक ड्राइंग रूम में थे, निकी
बाथरूम में अकेली थी। बोला जब निकी को ऊपर बाथरूम में बुलाने गया तो निकी मर चुकी थी। निकी का मर्डर हो चुका था, करेक्ट? हाँ 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 जी साहब जी। आप तीनों जब नीचे थे और निकी बाथरूम में थी तब ये बालकनी का दरवाजा खुला था या बंद था? जी खुला हुआ था। रजना जी आप बताइए, आपको अच्छी तरह याद है बालकनी का दरवाजा खुला था या बंद था? जी जी खुला था। ये ऊंचाई तो कुछ खास ज्यादा नहीं है। निकी की लाश यहीं बाथरूम से मिली थी। जी हाँ। मैं करने आया हूं, आप सिर्फ जवाब दीजिए, मेरा काम करने दीजिए। अगर मैं भूल नहीं रहा तो यही टी शर्ट आपने कल पहनी थी ना? वैसे आपकी याददाश्त बहुत अच्छी इंस्पेक्टर भारत, पुलिस डिपार्टमेंट में है ना, इतनी लगनी पड़ती है क्राइम ब्रांच में। अगर ये कॉम्प्लीमेंट है तो शुक्रिया। रजना जी बोला, अगर मैं भूल नहीं रहा तो कल आपने भी यही कपड़े पहन रखे थे ना? जी जी हाँ। सच तो ये है कि मैं घर जा ही नहीं पाई। बोला तुमने भी यही कपड़े पहन रखे थे ना? हाँ हाँ जी साहब जी, कपड़े तो मैंने भी नहीं बदले। ये श्रीवास्तव। ये सर। तुम यहाँ शेरू को लेके आ जाओ, एड्रेस नोट करो, साही विला मड आइलैंड। इसकी जुबान सिर्फ यह बोल रही है कि कत्ल इसने नहीं किया है। कत्ल इसी ने किया है। मैंने खून नहीं किया इंस्पेक्टर, नहीं किया। शेरू जानते हो कभी कभी एक छोटे से छोटा सुराग, छोटे से छोटा सुराग बड़े से बड़े केस को यूं सॉल्व कर देते हैं। कैसे? कैसे? यूं सॉल्व कर देते हैं।
निकी को तलाशते हुए यहां आए थे इस बेडरूम में, और तब निकी यहां बाथरूम में छुपी हुई थी। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरा यकीन कीजिए, मैंने फोन नहीं किया। वापस जाने का तुमने सिर्फ नाटक किया था शेरू। तुम जान गए थे कि निकी बाथरूम में छुपी हुई है, तुम वापस आए और तुमने वापस आके बाथरूम में निकी का खून कर दिया। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरा यकीन कीजिए, मैंने खून नहीं किया। तो फिर ये बटन मुझे बाथरूम से कैसे मिला? ये बटन तुम्हारी शर्ट का बटन। कल तुमने ये शर्ट पहनी होगी, इसीलिए तुम्हारी इस शर्ट का ये टूटा हुआ बटन मुझे बाथरूम से मिलता है। तुम चारों तरफ से फंस चुके हो। कबूल करो कि निकी का खून तुमने किया। मैंने ये खून नहीं किया। कल तुम बेडरूम की उस खुली हुई बालकनी से अंदर दाखिल हुए, उसके बाद तुम बाथरूम में गए, तुमने निकी का खून किया, फिर उसी खुली हुई बालकनी से तुम रफू चक्कर हो गए। मैं ठीक कह रहा हूं ना शेरो? जरूर करता हूं, मैंने ही अपनी बात का खून किया। जब मैं उसे तलाशता हुआ यहां तक आया, चलो देख लो, तो उसका स्कार्फ मुझे बाथरूम के बाहर मिला। मैं समझ गया कि मेरी बहन बाथरूम के अंदर है। ये तीनों मेरे साथ नीचे आ गए। मैं बंगले के बाहर चला गया। मैंने खुले हुए बेडरूम को नोटिस कर लिया था। उसके बाद पिछवाड़े के जरिए मैं फिर से बंगले के अंदर आ गया। Please, 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 please
ऐसा नीच काम किया जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सका और मैंने उसे मार दिया इंस्पेक्टर, और क्या करता। लेकिन एक बहुत बड़ी गलती मैंने की, इस कमीने साही को छोड़कर। अरे मुझे तो इसे भी मार देना चाहिए था। जो आइंदा किसी और लड़की को ऐसा बदनाम नहीं करता। जो जान दे नहीं सकता उसे जान लेने का कोई हक नहीं है शेरू। ये हक सिर्फ ऊपर वाले को है, मालिक को है। ये माना कि विजेंद्र शाही एक गंदा इंसान है, एक अय्याश है, लड़कियों को वरगलाता है, उन्हें फुसलाता है, चंद पैसे देता है, उनका गलत इस्तेमाल करता है। ये माना कि तुम्हारी बहन ने भी गलती की, लेकिन वो गुमराह हो गई थी। अगर तुम उसे घर लेके जाके समझाते हो वो समझ जाए। जो गलती तुम्हारी बहन ने की उसकी सजा तुमने उसे दी, लेकिन अब जो गलती तुमने की उसकी सजा तुम्हें कानून देगा। मैं तुम्हें निकी के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं।